वेलकम। आज की लेक्चर में आपका स्वागत है। कोरियस फोर्सेस पार्ट टू। कोरियस फोर्सेस पर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ। आज दूसरे वीडियो में इसी आर्टिकल को कंटिन्यू रख रहे हैं। त्वरण का रूपांतरण, कल हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन तक की बात कर ली थी, आज हम एक्सलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। समीकरण 9 क्या थी? डी आर बाई डी टी बराबर डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। दोनों निर्देश तंत्रों एस और आर में स्थिति सदिश के परिवर्तन की दर के संबंध को व्यक्त करता है और सभी सदिशों के लिए वैलिड है। इसीलिए इसे ऑपरेटर इक्वेशन के रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। डी बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी आर डी बाई डी डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर आर। क्या देखा आपने? यहाँ पर एक ऑपरेटर बना डी बाई डी टी बराबर डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस। इट इज़ ए ऑपरेटर। इक्वेशन नंबर 11। सामी निर्देश तंत्र एस में कण का त्वरण ज्ञात करने के लिए एक्सलरेशन फाइंड आउट करना है स्टेशनरी फ्रेम एस के अंदर। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए उपरोक्त ऑपरेटर रूपांतरण को कण के वेग पर प्रयुक्त करते हैं। तो डी बाई डी टी कर लीजिए डी आर बाई डी टी का, तो आपके पास एक्सलरेशन आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो डी बाई डी टी मीन्स डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस। इक्वेशन 11 से सब्सिट्यूट कर लीजिए डी बाई डी टी के स्थान पर। अगेन हमने डी डैश बाई डी टी ओमेगा क्रॉस सब्सिट्यूट किया है, लेकिन इस समय आर पर ऑपरेट कर चुके हैं, इसलिए हमने डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर लिखा है। एक्सलरेशन बराबर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर के, विच इज़ डी डैश स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर के, सॉरी डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर बराबर डी डैश स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। आप पहली टर्म को दूसरी टर्म के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, ये टर्म आ रही है प्लस ओमेगा टू ओमेगा क्रॉस डी डैश आर बाई डी टी। यहाँ पर जब इससे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो चार टर्म आती है, चार टर्म में से दो टर्म ऐड हो चुकी है और तीसरी टर्म आपके पास बची है प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा को नियत माना गया है अर्थात डी ओमेगा बाई डी टी ज़ीरो होगा। तो ए बराबर किसके आया? ए डैश प्लस टू ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इक्वेशन नंबर 12, जिसमें इससे ए डैश निकाल लीजिए। हमने ए बराबर लिखा था, हम ए डैश लिखना चाह रहे हैं, डैश फ्रेम के अंदर एक्सलरेशन लिखना चाह रहे हैं। तो ये इक्वेशन ए डैश बराबर ए माइनस टू ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर। इन दोनों टर्म को हम दूसरी साइड में ले गए हैं, जो राइट हैंड साइड की दो टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दी है, तो हमें ए डैश मिला। ए डैश इक्वेशन 13 के द्वारा दिया जा रहा है। ए डैश डी स्क्वायर आर बाई डी आर डैश बाई डी टी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं आर डैश वैक्टर आर वैक्टर के भी बराबर है। घूर्णी निर्देश तंत्र आर में कर्ण का त्वरण है। माइनस टू ओमेगा क्रॉस वी डैश कोरियस त्वरण कहलाता है। ठीक है भाई, माइनस टू क्रॉस वी डैश, वी डैश क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो कोरियस त्वरण कब उत्पन्न हुआ? जब पार्टिकल के पास वेलोसिटी है। एवं माइनस ओमेगा क्रॉस आर, जो ये सेकेंड टर्म आ रही है, वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन अपकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। यह समीकरण 13 दोनों निर्देश तंत्र में कण के त्वरण के संबंध को व्यक्त करता है। इसे त्वरण का रूपांतरण समीकरण ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ एक्सलरेशन कहते हैं। अब आइए फोर्स की बात करते हैं। जब हमने त्वरण को रिलेट कर लिया तो फोर्स के लिए हमें कण के द्रव्यमान m से इक्वेशन 13 आपको दिखाई दे रही है, इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, एम ए डैश बराबर एम ए माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस बी डैश माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। एफ डैश बराबर एफ माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। क्या देखा? एफ डैश किसके बराबर है? एफ प्लस एफ ए, ए यानी फिक्टेटस फोर्स। ये जो दोनों फोर्स आ रहे हैं, कोरियस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन दोनों का एडिशन को इन्होंने एफ ए लिखा है, दोनों ही फिक्टेटस फोर्स हैं।
क्यों उत्पन्न हुए? पार्टिकल के वेलोसिटी के कारण और उसके रोटेशन के कारण फ्रेम के। इक्वेशन नंबर 14, एफ डैश बराबर एम ए डैश घूर्णी निर्देश तंत्र में परिणामी बल है, एफ बराबर एम ए स्थिर निर्देश तंत्र में आरोपित बल है, माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर अपकेंद्रीय बल है, यह बल निर्देश तंत्र के घूर्णन के कारण कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है, यह आभासी सूडो बल है जो कण पर वास्तव में लगता नहीं है परंतु ऑब्जर्वर को प्रेक्षक को लगता हुआ प्रतीत होता है, माइनस टू ओमेगा क्रॉस वी डैश कोरोलियस बल है, यह बल भी आभासी बल होता है। कोरोलियस बल फोर्स कैसा है? कोरोलियस फोर्स भी आभासी बल होता है जो घूर्णी निर्देश तंत्र में कण की गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। यदि ओमेगा और वी डैश के मध्य थीटा कोण हो तो कोरोलियस फोर्स किसके बराबर होगा? एफ ओमेगा और वी डैश के मध्य एंगल थीटा है उस समय कोरोलियस फोर्स एफ सी बराबर माइनस टू एम ओमेगा वी डैश साइन थीटा एन कैप के बराबर है। ओमेगा तथा वी डैश के लंबवत यूनिट वेक्टर एन कैप है। एन कैप क्या है? ओमेगा और वी डैश के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को हमने माना है। ओमेगा और वी डैश परस्पर लंबवत होते हैं अर्थात पिंड घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में स्थिर गति करता है तो थीटा की वैल्यू जीरो होती है। अगर थीटा की वैल्यू जी है तो कोरोलियस बल का मान मैक्सिमम होता है एफ सी मैक्सिमम बराबर माइनस टू एम ओमेगा वी डैश के बराबर होता है। अगर ओमेगा और वी डैश परस्पर समान पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू जीरो है, कोरोलियस बल का न्यूनतम अर्थात न्यूनतम मान शून्य होता है, एफ सी मिनिमम की वैल्यू जीरो होती है। यदि कण पर प्रभावी बल का मान वास्तविक बल व आभासी बलों के सदिश योग के तुल्य लिया जाए, एफ किसके बराबर लें? एफ बराबर एफ डैश बराबर एफ प्लस एफ ए इक्वेशन 14 के द्वारा दिया जाए तो क्या देखते हैं हम? यदि कण पर प्रभावी बल का मान वास्तविक बल व आभासी बलों के सदिश योग के तुल्य दिया जाए तो अजड़त्व निर्देश तंत्रों में भी पिंड की गति न्यूटन के नियमों के अनुसार होगी। इन बलों को भी इनर्शियल फोर्स कहते हैं क्योंकि ये पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होते हैं। धन्यवाद। कल हम मोशन रिलेटिव टू अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे।